हमारे साथ जिशान सिद्दीकी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस के बाद अब घड़ी, ये नई आपकी जो शुरुआत है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आज आपने ऑफिशियली घड़ी को हाथ में बांध लिया। हाथ में भी बांधा है, दिल में भी बांधा है। और 2019 में जब कांग्रेस से लड़े थे तो घड़ी साथ में ही थी। बिराल चीजें बदली है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह शिवसेना उबट्टा को के प्रेशर में अपनी सिटिंग सीट दे दी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो लोग इतने सालों से हमारे से जुड़े थे, उन्होंने इस बार भी थोड़ा पर्दे में डाले। काफ़ी लोगों ने बात की कि नहीं, अनअपोज होना चाहिए, नहीं नहीं आप रुकिए, आप ये करिए, मगर सच तो ये है कि सच हमेशा बाहर आ जाता है। और इस कठिन समय में भी ये सब हुआ कि उन्होंने माइंड गेम्स खेली, बहुत सारी गेम्स खेली, और जनता जवाब वोट से देगी। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का जो अधूरा सपना है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। जनता मेरे साथ है और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मुझे वांद्रपूर्व से जरूर मिलेगी। आपका परिवार बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहा है। हाल ही के दिनों में आपके पिता, जो कि बहुत ही लोगों के लिए जमीनी स्तर के नेता थे, उन्हें उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। क्या कुछ आप इस बारे में जांच एजेंसी से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कई तरह की थियरीज आ रही है। आपने एक ट्वीट किया था कि लोगों के घर के लिए, लोगों के लिए आपके पिताजी ने जान गंवा दी। देखिए, मेरे पिताजी ने जो खोया है, हमने जो खोया है, वो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ। ये सब इलेक्शन, राजनीति सब अलग है, मगर हमने अपने घर का ताज खोया है और वो कभी उसकी भरपाई तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगी। मगर मेरी घर पे मेरी माँ है, मेरी बहन है और हमारे जो मुखिया थे मेरे पिताजी, है रहेंगे हमेशा हमारे लिए, उनके लिए न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। मुंबई पुलिस को हमने जो कहा, जो हमें लगता है एक परिवार की तरफ से, हमने उन सबको ये एंगल्स कहा है कि क्या हमें लगता है, जैसे आपने भी कहा, और कि हमने हमेशा पिताजी के साथ ज़मीनी लड़ाई लड़ी है, ये नहीं देखा है कि कौन सामने है। लोगों के घरों के लिए लड़े हैं, लोगों के राइट्स के लिए लड़े, उनके हक के लिए लड़े हैं, और शायद से कोई लोगों को ये चीज़ पसंद ना आई हो। और उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दोनों को मारना चाहते थे, मगर मेरे पिताजी ने जाते जाते भी मुझे रक्षा की और मुझे बचा के गए। तो एक कारण होगा कि उनको, मेरी रगों में भी उनका खून ही है और मेरे पिताजी ने मेरी परवरिश ऐसी की है कि कभी भी कोई चीज़ को मैं छोड़ के भागूंगा नहीं, लड़ूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करके रहूंगा। और जो लड़ाई वो लड़ रहे थे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हक के लिए, घरों के लिए, वो मैं ज़रूर लड़ते रहूँगा, आखिरी दम तक ज़रूर लड़ते रहूँगा। और जो मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिलेगा। जो जो स्टेटमेंट्स हमें देने थे मैंने मुंबई पुलिस को कहे है और मुझे उम्मीद है, आशा है कि जल्द से जल्द जो इनह्यूमेन लोग हैं, मतलब कुछ पैसों के लिए अगर कुछ लोग एक परिवार को जिंदगी भर की निराशा दे सकते हैं तो ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं। मगर ठीक है, जो हुआ वो हुआ, पर उसको टर्म्स में आने के लिए बहुत समय लगेगा। पर मुझे यकीन है कि पिताजी मेरे साथ हमेशा है और मेरे अंदर है और मैं जो भी कर रहा हूँ उनके सपने पूरा करूंगा और लोगों की लड़ाई लड़ते रहूंगा। आपने ट्वीट किया था और बताया था कि कांग्रेस ने फिर अपना असली रंग दिखा दिया, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में भी कहा था कि यूबीटी के प्रेशर में आकर आपकी सीट किसी और को दे दी। हाँ, तो क्या जब ये आपके कठिन दौर में थी तभी भी कांग्रेस आपके साथ आई नहीं? कांग्रेस आई थी। देखिए, मैं कांग्रेस क्या है कि उबट्टा के लिए इतने प्रेशर में है कि वो कुछ कह नहीं सकती है। उनको शायद से करना कुछ और होगा, मगर महाविकास आघाड़ी ने हमेशा खेल खेले और इस कठिन समय में भी उन्होंने खेल खेले। और कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए थे, बोले थे कि अनअपोज रहेगा, ये होगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री करने वाला हूँ, मगर कुछ चीज़ें कही गई थी वो ठीक है, उसका जवाब हम वोटों के तरफ से देंगे जनता। और इस कठिन समय में भी शिवसेना उबट्टा ने अपना गुरूर बरकरार रखा
और गुरूर बरकरार रखते रखते कांग्रेस की सिटिंग सीट में उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। मगर जनता जानती है कि सिद्दीकी परिवार किस हर वर्ग के लिए काम करता है, हर समाज के लिए काम करता है, और मेरे पिताजी जैसे करते आ रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूँगा और लड़ते रहूँगा और आगे देखेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे और जी आखिर तक वही करेंगे। हमारे साथ जिशान सिद्दीकी थे, कैमरा विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।